देश की दिग्गज कंपनी टाटा ने ये सोचकर नैनो का निर्माण किया था कि कम से कम गरीब इंसान भी कार पर सवार हो सके, खासकर ऐसे लोग जो एक बाइक पर पूरा परिवार लेकर चलते हैं। टाटा का ये सपना साकार हुआ और नैनो सड़कों पर भी उतर गई। लेकिन बाइक पर पूरा परिवार लेकर चलने की परंपरा आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है, और इस बार बाइक पर सवार पूरा परिवार यूपी के एटा जिले में देखने को मिला है। सरकार ने इस तरह से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए तो वैसे सख्त कानून बनाए हैं और जुर्माने का भी प्रावधान किया है, लेकिन जनाब ये भारत है जहां जुर्माने के बावजूद लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एटा जिले में, जहां ये बाइक चलाने वाले जनाब पूरा परिवार ही लेकर सड़क पर निकल पड़े हैं। न सिर पर हेलमेट, न मुंह पर मास्क, लेकिन हाँ आंखों पर चढ़ा चश्मा और सिर पर बंधी ये पगड़ी जरूर बता रही है कि भौकाल की कोई कमी नहीं है। बाइक पर सवार पूरे परिवार को जब पुलिस वाले ने देखा तो उसने भी हाथ जोड़ लिए, जैसे पुलिस वाला भी कह रहा हो भैया कुछ तो रहम करो इस बाइक पर और थोड़ी तो परवाह करो अपने इस परिवार की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी पूरे 7, बाइक 1 और सवारी 7। ये तो बहुत नाइंसाफी है, और इस नाइंसाफी की वजह से पुलिस वाले ने बीच सड़क पर ही इन्हें रोक लिया और पहले हाथ जोड़ समझाया, यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया, फिर चालान काट हाथ में थमाया। फिर एटा पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर पोस्ट कर लोगों को समझाया, खुद के साथ बच्चों की जिंदगी से भी खिलवाड़ ना करें, यातायात नियमों के प्रति जागरूक बने। एटा पुलिस ने इस बाइक वाले का चालान काटा और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो फिर कमेंट भी खूब आए। ट्विटर यूजर राजीव मिश्रा ने लिखा, मोटरसाइकिल वाले भाई का भी जलवा है, 6 और 7 लोगों को बैठाकर और कोई चला भी नहीं सकता है, ऐसे लोगों के लिए भी ओलंपिक गेम में व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये हमारे इंडिया के लिए गोल्ड जरूर लेकर ही आएंगे। अपनी जिंदगी की बात थोड़ी है, इन्हें तो अपने बच्चों की जिंदगी से भी प्यार नहीं है। ट्विटर यूजर कमलेश त्रिवेदी ने लिखा, एटा पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। रामविलास सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, नायाब तरीका समझाने के साथ साथ दंडित करने का। एक बाइक पर 7 सवार को देखकर सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई कह रहा है ऐसे लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स में व्यवस्था होनी चाहिए, तो कोई पुलिस वाले के काम करने के तरीके की तारीफ कर रहा है। खैर, इस बाइक सवार के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।